हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी रूम में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में जो कि आपसे हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे एसएससी लेवल का हो, एचएसएससी लेवल का हो, किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो। अगर जीव विज्ञान के टॉपिक प्रमुख शाखाओं में से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो इन्हीं 10-12 पॉइंट में आपको जरूर से जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि एपिकल्चर किसे कहते हैं। एपिकल्चर बोलते हैं दोस्तों मधुमक्खी पालन के अध्ययन को बोला जाता है। एपिकल्चर किसे बोलते हैं? मधुमक्खी पालन के अध्ययन को बोला जाता है एपिकल्चर। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि माइकोलॉजी किसे कहते हैं। माइकोलॉजी तो कवकों के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है माइकोलॉजी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फाइकोलॉजी किसे कहते हैं। फाइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो शैवालों के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है फाइकोलॉजी और कवकों के अध्ययन को बोला जाता है माइकोलॉजी। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इनको ध्यान से देखना कि माइकोलॉजी बोलते हैं कवकों के अध्ययन को और शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पिस्सी कल्चर किसे बोलते हैं। पिस्सी कल्चर तो मछली पालन के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है पिस्सी कल्चर। किसे बोलते हैं? मछली पालन के अध्ययन को बोलते हैं पिस्सी कल्चर। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि एंटोमोलॉजी किसे बोलते हैं। एंटोमोलॉजी तो कीटों के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है एंटोमोलॉजी। किसे कहते हैं? कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सोरोलॉजी किसे बोलते हैं। सोरोलॉजी किसे बोलते हैं? तो दोस्तों छिपकलियों के अध्ययन को बोलते हैं सोरोलॉजी। किसे बोलते हैं? छिपकलियों के अध्ययन को बोलते हैं सोरोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों 7 नंबर पॉइंट है कि डेंड्रोलॉजी किसे बोलते हैं। डेंड्रोलॉजी किसे बोलते हैं? तो झाड़ियों के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है डेंड्रोलॉजी। किसे बोलते हैं? झाड़ियों के अध्ययन को बोला जाता है डेंड्रोलॉजी। इसके बाद में दोस्तों 8 नंबर पॉइंट है कि आर्निथोलॉजी किसे कहते हैं। आर्निथोलॉजी तो पक्षियों के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है आर्निथोलॉजी। किसके अध्ययन को? पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है आर्निथोलॉजी। इसके बाद में दोस्तों 9 नंबर पॉइंट है कि पोमोलॉजी किसे कहते हैं। पोमोलॉजी तो फलों के अध्ययन को दोस्तों बोला जाता है पोमोलॉजी। किसे बोलते हैं? फलों के अध्ययन को बोला जाता है पोमोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, 10 नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि सिल्वी कल्चर किसे बोलते हैं। कौन सा है? सिल्वी कल्चर तो दोस्तों काष्ठीय पेड़ों के अध्ययन को बोलते हैं सिल्वी कल्चर। किसे बोलते हैं? काष्ठीय पेड़ों के अध्ययन को बोलते हैं सिल्वी कल्चर। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट था कि एपिकल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को बोला जाता है एपिकल्चर। दूसरा था माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवकों के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी और शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। इसके बाद था पिस्सीकल्चर, मछली पालन के अध्ययन को बोलते हैं पिस्सीकल्चर। इसके बाद में था एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को दोस्तों क्या बोलते हैं एंटोमोलॉजी। इसके बाद था सोरोलॉजी, छिपकलियों के अध्ययन को बोला जाता है सोरोलॉजी।
फिर था डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों के अध्ययन को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। इसके बाद में पॉइंट था कि आर्निथोलॉजी किसे कहते हैं, तो पक्षियों के अध्ययन को बोला जाता है आर्निथोलॉजी। 9 नंबर पॉइंट था कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। इसके बाद में सिल्वी कल्चर, काष्ठ या पेड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिल्वी कल्चर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट थे जो आपसे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो में जितने भी पॉइंट आपको करवाए गए सारे पसंद आए होंगे और समझ भी आए होंगे। तो वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।